मैं उसके अंदर क्राइटेरिया ये सेट करूँगा कि भाई ये साइट है, क्या नाम है साइट का, नहीं जी हम फेसबुक कहते हैं, चलो याहू कह देते हैं। जो बंदा याहू की वेबसाइट खोले तुम उसको क्या करो, तुम उसको बंद करो, बंद करके इस तरफ ले आओ, समझ आ रही। आप देखो खोलोगे आप याहू, जाएगा ये फेसबुक के ऊपर, क्यों जाएगा, ये इसी रूल की वजह से जाएगा। ये होता है रीडायरेक्ट, ये देखो याहू खोला मैंने, खोल दी उसने आगे फेसबुक, तो ये साइट को मैंने रीडायरेक्ट किया हुआ, जो रिक्वेस्ट आती है यूज़र की तरफ से उसको सॉल्व करके किसी दूसरे तरफ ले जाओ। तो इसी तरीके से उन्होंने भी किया होता है कि साइट के एक साइट को दूसरी तरीके से रीडायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, मैं एक चीज़ आपको, ये रूल डाला ना मैंने सिर्फ उर्दू 123 वेबसाइट के लिए, उसको ब्लॉक करो। मैं एक रूल और डालता हूँ, मैं ये कहता हूँ यार स्टैरिक URDU, जिन साइटों के लफ्ज़ के, जिन साइटों के URL के अंदर उर्दू आ रहा है वो सारी की सारी साइटें ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, ठीक है। वो तो और चीज़ के है ना उसके, आप देखो उर्दू की जितनी साइटें खोलोगे सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी। हम गूगल में सर्च मारते हैं, लो जी यहाँ पे उर्दू लिखते हैं, नहीं गूगल का कैसे हो रहा है, ये देखो कुरान उर्दू मैंने ये बंद तो नहीं की, लेकिन उर्दू का वर्ड आ रहा है ना URL के अंदर, खोलो इसको, नहीं खोलने देगा, उधर ही पकड़ के बैठ देगा। तो स्टार लगाकर, वाइल्ड कार्ड लगाकर आप कुछ भी इसको क्राइटेरिया दे दो, वो सर्च करेगा उस चीज़ को ब्लॉक कर देगा, पकड़ देगा, ठीक है। आप कहते हो यार XXX बंद कर दो, स्टैरिक लगा के दे दो XXX की सारी सेट बंद, हाँ जिसके अंदर XXX यूज़ हो रहा है। अच्छा एक तो ये चीज़ थी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। अब एक चीज़ और बताना है, मैं इसको ये कहता हूँ कि ना आप ये जो रूल लगा रहे हो तुम, ये सिर्फ एक बंदे के लिए हो, क्या रूल हो, होस्ट के ऊपर जाकर मैं कहता था जी gmail.com को बंद करो, और बंद करके फेसबुक पे ले आओ, आ रहा बेटा भी। तो ये रूल सिर्फ इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए होगा, इसको क्या करें, जब इधर से रिक्वेस्ट आएगी इसको gmail.com ओपन करनी है, तो ये gmail.com को घुमा फिरा के इसके ऊपर ले आएगा। सर अगर हम कोई अपनी वेबसाइट यानी कि बनाएं, हाँ ठीक है, तो इसकी जगह हम ये अपना देते हैं, हाँ बिल्कुल, वो हमारी बात करेंगे, बिल्कुल आपके नेटवर्क के अंदर, हाँ। तो अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस दोगे, SRC एड्रेस दोगे, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दोगे, तो ये रूल सिर्फ उसके लिए होगा, अगर नहीं दोगे तो ये सबके लिए बन जाएगा, भाई सारे इसको फॉलो करेंगे। तो सर अगर हम किसी यानी ये रूल रखना चाहेंगे किसी मैक एड्रेस पे, सिर्फ ये यानी कि वेबसाइट बंद हो जाए, तो उसका यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं ना चलता, यहाँ पे आईपी डालना पड़े, वो आईपी एड्रेस यानी कि हम, हाँ ये देखो इसको ना, अगर नहीं करना चाहते ना करो रीडायरेक्ट, ठीक है, आप कहते हो खाली बंद कर दो बस, तो ये देखो ना ये 255 है, इसका एड्रेस देख लो अभी 254 है, ठीक है मैं आईपी डाल देता हूँ अभी, देखना ओके ब्लॉक कर दी ना जीमेल मैंने, जीमेल ओके, इसको बंद करना लाजमी, इधर से अप्लाई करना लाजमी। अब जीमेल खोलता हूँ मैं, आईपी इसी के कंप्यूटर का है, लेकिन ठहरे नहीं, वो रूल फिर लगा नहीं इसमें, इसका स्पेल ठीक है, gmail mail.com,
एक मिनट इसको देख लेते हैं, इसको 253 शायद हो इसका, क्योंकि आगे वो कुछ करता होता है इसके अंदर। भाई बंद किया, लेकिन वो जो खोल रहा है वो क्या खोल रहा है, वो जीमेल का इन वो खोल रहा था, साइट चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर कोई इशू है। हम जीमेल की जगह पे क्या करते हैं, हम कर लेते हैं जनाब गूगल लिख देते हैं, फिर नहीं लगा। हाँ अप्लाई करना लाजमी है, ठीक है। वो उसने बेसिकली लॉगिन वाला पेज ले आया था कहीं से पकड़ के, उसको समझ नहीं आ रही थी, तो ये बंद हो गया। तो साइटें आप इधर से भी बंद कर सकते हो और उधर से भी जाके वर्ल्ड गार्डन में से भी बंद कर सकते हो साइटें। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब मैं ये चाहता हूँ, एक रूल मैं और बताने लगा आपको, मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे नेटवर्क के अंदर कोई बंदा MP3 की फ़ाइल ना डाउनलोड कर सके। मैं कहता हूँ story.mp3 डिनाय, रीडायरेक्ट करवाना तो करवा लो, अगर नहीं करवाना तो ना सही, ठीक है। आप कोई और पेज पे ले जाएगा आपको, जैसे वो MP3 डाउनलोड करना है, ठीक है। सर ये आपने इस तरह कौन किस तरह, ये मैंने एक्सटेंशन बताई है ना, मैंने फाइल की एक्सटेंशन दी है मैंने, फाइल डाउनलोड नहीं करनी तुमने। अदरवाइज AVI हाँ वो करेगा, वो करेगा, ठीक है। गूगल इसे बंद कर देता, गूगल तो खोल ही पता है। ये गूगल का रूल, अगर रूल को वक्ती तौर पे आपने डिसेबल करना है यहाँ से कर लो, वक्ती तौर पे चले गए, लेकिन अगर निकाल ही दोगे फिर दोबारा डालना पड़ेगा। हाँ गूगल आप खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गई जी। सॉन्ग्स और पिक्के नहीं होती तो है, लेकिन वो बड़ी audio.pk कर लेते हैं, वो इश्तहार बड़े दिखाता है यार, वो इश्तहार से पेज सारा भर जाता, निकलता कुछ है नहीं, मान लीजिए। तो वही वाला एरर जो आपको उधर पेज के अंदर दिखा रहा है वैसे ही एरर आपको दिखाएगा, ऊपर लिखेगा एरर फॉरबिडन, इस तरह का आपको दिखाएगा। ये देखो ना, ओए हो वो डायरेक्ट लिंक पता नहीं कौन सी साइट के ऊपर लड़का रहा बता रहा था मुझे, कौन सी वेबसाइट ये sound.pk। और यार ये बड़ी लानती किस्म की है, इसमें इश्तहार इतने इसने दिखा देने, पेज ने फोत हो जाना है, उसमें इश्तहार नहीं उसके ख़त्म होने हैं, मुझे पता नहीं इसके, मैं डेली लेक्चर देता हूँ, पता है इसका, ये ऐसे करता है, ये काम की बात होती कोई नहीं इसके अंदर, सर्च पे सर्च लगा रहता है ये, बारह देख लेना यार ये कर देगा आपको। यार उसने ऐड लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो कमाई का जरिया उसकी, लोग पैसे देते हैं उसको, ऐड लगाते हैं लोग चेक करते हैं, बार वो आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाएगी, इसमें फाइल डाउनलोड नहीं होगी इसमें, ठीक है, ना एक्सीलेटर से होगी ना किसी चीज़ से भी नहीं होगी इसमें। अच्छा और इसी तरीके से इधर आप उसका पर्टिकुलर एड्रेस दे दोगे, सिर्फ वो रूल पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं यार साइट ना बताओ, आप यहाँ पे उसका बता दो, क्या नाम है उसका, DHT एड्रेस बता दो उसका, URL की जगह पे उसका IP एड्रेस बता दो। सर वो जो उसका वेब का एड्रेस होता है, हाँ जी हाँ जी वो बिल्कुल वो, यानी जैसे urdu.com है उस, नहीं नहीं छोड़ दें, urdu.com है एक डोमेन है ना,
इसके पीछे एक आईपी होगा इसका, इस डोमेन का। सर वो वैसे हम चेक करेंगे, वो लुकअप के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं, गूगल के ज़रिए चेक हो जाएगा। आप उर्दू लिखो ना यहाँ पे यार, किसी का आईपी चेक करना आपने तो कैसे करना। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी आपको बता सकता है यार, उन्होंने जान नहीं छोड़ दी मेरे पता। हंड्रेड परसेंट उन्होंने प्रोसेसर मेरा यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। फर्ज करो आपने उर्दू 123 का आपने देखना है आईपी। बल्कि इसके अंदर भी आप देख सकते हो यार, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, टूल्स के अंदर आओ, पिंग आ जाओ, पिंग पे आओ, यहाँ पे पिंग होगी, यहाँ पर कहीं लिखी है, यहाँ पे करो उर्दू point.com, ठीक है, पॉइंट पॉइंट स्टार्ट करो, ये आईपी आ रहा है उसका। अगर आप डायरेक्ट इसको हिट करते हो, ठीक है, तो उर्दू पॉइंट डॉट कॉम ही खुलेगी। क्या है, 67/222/157, हाँ 67/200/157.242, और इसको हेड करोगे तो उर्दू पॉइंट डॉट कॉम ही आपके सामने खुलेगा वो, क्योंकि हमने बंद की हुई है। सर ऐसे यानी कि वो यही यहीं से वो आईपी डेटा चेक कर रहे हैं। हाँ जी, पता नहीं अब क्या क्राइटेरियन का, इसको हमने खोलना पड़ेगा पहले। ये उर्दू वाला हमने किया हुआ था ना, इसके अंदर ये वाला रूल, इसको डिसेबल करते हैं, आप देखते हैं अब वो लेगा। वही साइट है ना, आईपी देख लेते हैं, ये था तो साइट के नेम की जगह पे उसका आईपी भी लिख देते हो आप, तो इस तरीके से ठीक हो गया जी काम। तो ये थी सारी यार इसके अंदर, इस तरीके से आपने रूल इम्प्लीमेंट करने हैं। और बाकी बाज़त पेज के अंदर, हॉटस्पॉट के पेज के अंदर, या प्रॉक्सी की वजह से या किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो रीसेट एचटीएमएल कर देते हैं, तो ये एचटीएमएल वाले पेज को फिर से एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता है। इसका ये मकसद है, क्लियर कैशे, आपकी हार्ड के ऊपर जितना कैशे बना उसको क्लियर करना है, तो क्लियर कैशे यस करेंगे, कैशे क्लियर कर देगा सर, एक सारा ज़ीरो कर देगा। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है एक ना, ये जो पेज हॉटस्पॉट का बना हुआ है ना, ये इसकी बेस पर बना हुआ है, तो वो उसको ज़रा रिफ्रेश जाके करता है। आप स्टेटस के अंदर आएँ, देखें आपके कंप्यूटर से इस वक्त इतने किलोबाइट कैशे यूज्ड हुआ है, और ओरिजिनली नेट से वो इतना उसने यूज़ करवाया सर्वर से। लुकअप के अंदर आके देखेंगे कि सक्सेस दो हुई हैं, नॉन कैशेबल, कुछ ऐसी साइटें भी हमने खोली जो कि कैशे में नहीं आई, वो 11 हैं उसमें, 11 के करीब की कुछ चीज़ें होंगी जो कि नहीं लेके आया होगा। तो इस तरीके की ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर आपके पास आती है इसमें, ठीक हो गया जी। बाकी कनेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आता इसका डिटेल, डायरेक्ट के अंदर भी नहीं आती कोई डिटेल, कैशे के अंदर भी नहीं आती, बस ये दो रूल आपने इसमें लगाना, एक एक्सेस का और एक कैशे कंटेंट का। तो कैशे कंटेंट ये आपका बन रहा है, जैसे जैसे साइटें विजिट करेंगे देखें कैशे आ रहा है तरह से। तो ये अगर आप देखें, आप देखें, मैं आप खोलता हूँ ना, जंग वाली अखबार आप खुद खोल के दिखाते हैं, देखना कितनी स्पीड से ज़रा वो खुलेगी। शुरू में हमने खोली थी ना, देख रहे हो स्पीड इसकी, ये इसकी वजह से ये कर रहा है,
पेज देखो लोड भी करके ले आया सारा उस वक्त, अभी वो तक वो लगा रहा था, ये बीच में इन्होंने ऐड डालना शुरू कर दिया ये, इसकी वजह से देखो कितनी स्पीड से उसने डाउनलोड भी कर लिया पेज, खुल गया पेज आपके सामने। तो बहुत ज़्यादा ये 50% से भी ज़्यादा इसके फ़र्क पड़ जाता है, साइट तेज़ी तेज़ी से खुलेंगे जब आप रेगुलर यूज़ करोगे ना, फिर आपको पता चलता है यार बाकी कैसे सही हो रहा है इसका। तो ये भाई था आज का चैप्टर के वेब प्रॉक्सी आपने कैसे कन्फिगर करनी है और उसको चलाना कैसे है।